हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। और आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 1.4 के बारे में, रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4। ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ये इम्पोर्टेंट। इसमें देखो क्या कंसेप्ट है वो आज डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रखा है नंबर्स का। एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर के दो क्लासिफिकेशन। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का फिर से हो जाता है, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इरेशनल नंबर्स का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर का कब टर्मिनेटिंग बनता है, कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनता है, उसके लिए एक कंसेप्ट निकाल रखा हमने। अगर जैसे कोई रेशनल नंबर होता है वो हमेशा किस टाइप का होता है, पी बाई क्यू टाइप का होता है, ठीक है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर पी तो कुछ भी हो सकता है, क्यू टू रेस टू पावर ए और फाइव रेस टू पावर बी टाइप का कुछ है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो टू और फाइव से मिलके बना है। तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा उसका जो भी आंसर आएगा सोल्व करने पर वो टर्मिनेटिंग ही होगा उसका आंसर, मतलब पॉइंट के थोड़ी देर बाद या कुछ डिजिट्स बाद में वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन बट रिपीटिंग में क्या होता है, वो आपको जैसे ऐसे ये पता, जैसे 2.3333 ये आता रहता है ना इस टाइप का, तो ये क्या हुआ 2.3 का बार। तो ये नंबर कब आता है, जब 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए किसी नंबर को आगे, यहाँ पे 3 डिवाइड करने लग जाए, या 9 या 7 या 11, 2 और 5 के अलावा अगर किसी की भी फैमिली आ गई ना, तो वो नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अपने इसी के, जैसे यहाँ पर है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, हमें देख के समझना पड़ेगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion, ठीक है, हमें पता करना पड़ेगा। लॉन्ग डिविजन कभी नहीं करना है इसके अंदर। तो एक्सरसाइज 1.4 इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें नंबर लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन है 13 upon 3125। तो पहले 3125, देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का इतना मैटर नहीं करता जितना डिनोमिनेटर करता है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर कौन है, 3125। एक बार इसको पता कर लो कि ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनते क्या है। 5 से डिवाइड किया तो कितना होगा 6, 1 इसको ट्रांसपोज हो गया तो 2, और ये कितना हो गया 5, 625। फिर 5 से किया तो 125, फिर 5 से किया तो 25, और फिर 5 से किया तो 5, और फिर 5 से किया तो 1, ठीक है। तो अपना ये जो नंबर है 13 upon 3125, ये नंबर बना 13 upon 5 की पावर कितनी आई, 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसमें कुछ आया नहीं, तो 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 2 नहीं आया। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्म का दिखता है, तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा वो कैसा आंसर होगा, टर्मिनेटिंग। क्या आंसर होगा इसका, टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन अपना 17/8, ठीक है। इसके फिर इस डिनोमिनेटर को अच्छे से देखो, 17/8 क्या होता है, 2 का क्यूब, ठीक है। तो इस नंबर को ऐसे ले सकते हैं 17/2 का क्यूब इंटू 5 दिखाना है इसके अंदर, तो 5 तो है ही नहीं, तो 5 बार 0 दिखाएंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कैसा दिख रहा है हमें, 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b टाइप का दिख रहा है, ऊपर कितना है 17, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर ऐसा हमें दिखाई देगा तो नंबर क्या होगा, फिर से टर्मिनेटिंग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है 64 upon 455, ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं 455। तो पहले इस डिनोमिनेटर को समझ में आ रहा है ये बड़ा नंबर है, तो इसको देख लेते हैं 455 का क्या बनेगा। 5 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 9, फिर 1 हो गया 91 हो गया, फिर इसको किससे करेंगे, 13 सेवनजा होता नहीं 13 सेवनजा 13 सेवनजा होता तो
इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1, फिर 2, 1 तो कितना हो गया 13, और 13 और 1, तो अपना जो ये नंबर है ये ऐसा बन गया 64 अपॉन 455, ये 64 अपॉन 455 को लिख दो ऐसे 5 इंटू 7 इंटू 13। लेकिन यार ये जो नंबर है ना ये ऐसा तो नहीं दिखता हमें कभी भी, 2 रेस्ट पावर a इंटू 5 रेस्ट पावर b जैसा तो नहीं दिख रहा, मतलब 2 की पावर कुछ आए और 5 की पावर कुछ आए, यहाँ पे 5 तो एक आ रहा है लेकिन 7 और 13 नहीं आने चाहिए थे, इन्होंने आके काम बिगाड़ दिया। ठीक है, तो इस बार ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा ये वाला। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ पार्ट पर आते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट में लिखा है 15 अपॉन 1600, तो इसको करते हैं अब सोल्व। 15 अपॉन, अच्छा एक काम जरूर ये याद रखना कि जब ये फॉर्म लगती है पी अपॉन समथिंग ये, तो ये लोवेस्ट फॉर्म होती है, मतलब सब कुछ कट करने के बाद में डिसाइड करते हैं हम, सब कुछ कट करने के बाद में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कट करो, 5 से इसको कट कर, ये 1600 लिख लेता हूँ, इसको 5 से कट किया तो 3 होगा, यहाँ से 5 से कट किया तो कितना होगा ये, 5 से कट किया तो 5 से कट करो इसको कितनी बार, 3 टाइम्स होगा, फिर 1 बच जाएगा तो 2 हो गया, फिर 0, 320 हो गया, तो अपना नंबर बचा 3 अपॉन 320। ठीक है, तो 3, अब 320 को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम 64 इंटू 5। ठीक है, इसको और मॉडिफाई कर लो, मॉडिफाई करते चलो, 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना, मतलब 3 अपॉन 64 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, तो ये नंबर ऐसा लग रहा है 3 अपॉन 2 रेस्ट पावर a इंटू 5 रेस्ट पावर b जैसा नंबर ये बन गया। इस फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर आ जाता है जैसा कि यहाँ पर आ रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा ये नंबर, विदाउट लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है हमें, बस ऐसे ही पता चल जाएगा। फिफ्थ, फिफ्थ है 29 अपॉन 343। अब तुम्हें पता 343 किसका क्यूब होता है, 29 अपॉन 7 क्यूब, तो और कुछ इसमें प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो ये ऐसा 29 अपॉन 2 रेस्ट पावर a इंटू 5 रेस्ट पावर b जैसा तो कभी भी नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये तो 7 ही रहेगा, इसमें तो 7 है, 2 और 5 तो है ही नहीं, 7 भी आ गया तो इसने काम बिगाड़ दिया, तो ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस टाइप का नंबर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं, सिक्स्थ पार्ट आसान दिया है इसने, 23 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 23 अपॉन 2 रेस्ट पावर a 5 रेस्ट पावर b है, और ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। सेवंथ पार्ट और आसान, 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 7 7 रेस्ट पावर 5। ठीक है, तो ये नंबर तो ऐसा दिखता नहीं हमें, 2 रेस्ट पावर a इंटू 5 रेस्ट पावर b। ठीक है, और ये 7 ऐसा भी नहीं कि उससे कट जाए, तो ये दोनों तो ठीक थे लेकिन इसने काम आके बिगाड़ दिया, तो ये नहीं होगा, ये क्या होगा अपना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये वाला नंबर बट रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th पार्ट, इसमें नंबर लिखा हुआ 6 अपॉन 15। देखो कट होता है तो पहले कट करो, लोवेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे 3 से कट होगा तो 6 अपॉन 15, 3 से कट करेंगे तो 2 बचेगा, 3 से कट करेंगे तो 5 बचेगा, कितना बचा, 2/5, तो 2/5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1, और यहाँ पे 2 तो है ही नहीं नीचे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो ये नंबर 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग दिख रहा है, अगर और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये सही है, ये क्या क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा ये। नाइन्थ पार्ट, इसमें टोटल 10 पार्ट है, नाइन्थ पार्ट है 35 अपॉन 50, इस नंबर को क्या लिखेंगे हम,
अच्छा 5 कैंसिल हो रहा है तो पहले 5 कैंसिल करो, ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो 5 से कैंसिल किया तो ऊपर क्या बचा 7, 5 से नीचे काटा तो कितना बचा 10, तो कितना हुआ 7 अपॉन 2 इंटू 5, तो ये 7 अपॉन 2 रेस्ट पावर ए इंटू 5 रेस्ट पावर बी जैसा दिख रहा है, यहाँ पे ए का काम 1 कर रहा है और बी मतलब जो 5 की पावर है उसका काम 1 कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया फिर से टर्मिनेटिंग हो गया। और लास्ट पार्ट 10th ये है 77 अपॉन 210, कट करो सबसे पहले, लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, 7 से कट गया तो 11, 7 से कट गया तो नीचे कितना आया 30, ठीक है 7 3 20 21। तो अब इसको प्राइम फैक्टराइज करो तो 11 अपॉन ये क्या होगा 3 इंटू 10, 10 को फिर से करो 11 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 5, ये यार 2 और 5 आता तब तक तो ठीक होता लेकिन 3 आके गड़बड़ कर दिया, तो 11 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर ए इंटू 5 रेस्ट टू पावर बी, डिनोमिनेटर ऐसा नहीं दिख रहा इसकी वजह से, ठीक है तो ये नंबर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ये 10 के 10 पार्ट मैंने आज इसमें कवर करा लिए हैं, ठीक है जो बचे हुए पोर्शन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसके अंदर जिन जिन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें लिखना है, ये मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर करा दूंगा ये और ये बचे हुए दोनों तीनों क्वेश्चंस, ठीक है थैंक यू।